नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BHU कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन रनिंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जैसे CET का एप्लीकेशन फॉर्म आया, Slot 1 Slot 2 क्या है, पूरी तरीके से हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल में। आपके मन में एक भी सवाल है तो वो सभी सवाल का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले जरूरी है कि अगर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए तो कमेंट में जाके लिखिए कि सर हम एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए। और जो लोग फॉर्म भरने की सोच रहे हैं वो अभी तक नहीं भरे हैं तो वो अब जाके फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 6 मई है। तो अब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म तेजी से भर दीजिए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे Slot 1 Slot 2 के बारे में। जो एप्लीकेशन फॉर्म को भर दिए हैं वो भी देखेंगे और जो भरने वाले हैं वो भी देखेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा आपको पूरी तरीके से सटीक जानकारी, हर एक चीज सीखने को मिलेगा, क्या क्या आपने सही भरा, क्या क्या आपने गलती की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे गलतियाँ की है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चैनल पर पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और सबसे बड़ी बात, एक अपडेट है, जो सबसे बड़ी अपडेट है, BHU कॉन्सेप्ट अभी ऑफर दे चुका है 1599 में एडमिशन हो रहा है हमारे कोर्स में, BA वाला कोर्स में। ये ऑफर सिर्फ आज और कल के लिए, BA वाले कोर्स में ऑफर है सिर्फ आज और कल के लिए 1599 में। तो आप हमारे कोर्स में जुड़ सकते हो। अगर आप इस दो तो जरूर जुड़िए, BHU BA या फिर BA एंट्रेंस इलाहाबाद BA एंट्रेंस के लिए सबसे सर्वोच्च प्लेटफॉर्म में आप जुड़ के आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं और आपका भी जो सपना है CET एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने का, वो सपना आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में देखिए हम लोग देखेंगे Slot 1 Slot 2। सबसे पहले देखिए 9:12:15 तक ये Slot 1 का टाइम है और 3:45 शाम में ये Slot 2 का टाइम है। ठीक है, पूरी तरीके से हम लोग डिटेल में देखेंगे, हर एक बात को आपको समझाएंगे। यहाँ पे देखिए Slot 1, ये जो Slot 1 है ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। Slot 1 और Slot 2 में बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल आता है कि सर हम Slot 1 ही सिर्फ भरें या फिर Slot 2 ही सिर्फ भरें। बिल्कुल आप भर सकते हो, बिल्कुल Slot 2 ही भर सकते हो, Slot 1 ही भर सकते हो, दोनों भर सकते हो, आपके सामने सभी ऑप्शन है। देखिए Slot 1 में जो पहला है लैंग्वेज सेक्शन, आपको लैंग्वेज यहाँ पे यहाँ पे ऑप्ट करना होगा, चुनना पड़ेगा। ये बहुत सारे, ये डिपेंड करेगा किस यूनिवर्सिटी में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। लैंग्वेज के लिए देखिए टोटल 50 सवाल आएगा, उसमें 40 करना होगा, एक सवाल 5 नंबर का होगा, 200 नंबर का एग्जाम होगा, 45 मिनट समय रहेगा। अब देखिए डोमेन स्पेसिफिक में Slot 1 में आप दो ही डोमेन ले सकते हो, दो मैक्सिमम दो। अगर आप दो से ज़्यादा लोगे तो Slot 2 में चले जाओगे। Slot 1 में मैक्सिमम आप दो ही डोमेन ले सकते हो और एक है जनरल टेस्ट आप ले सकते हो, ये Slot 1 में है। और देखिए 50 सवाल हर एक सब्जेक्ट से आएगा, दो सवाल है तो 100 में 80 आपको करना होगा, लेकिन 50 में 40 करना होगा हर एक सब्जेक्ट के डोमेन वाला। ये भी 5 नंबर का होगा एक क्वेश्चन, उसी प्रकार 200 नंबर का ये भी होगा, दो पेपर आप रखोगे तो हो जाएगा 400 नंबर का। जनरल टेस्ट में 75 सवाल आएगा, 60 आपको करना होगा, 300 नंबर का एग्जाम होगा। Slot 1 में आप एक लैंग्वेज पेपर ले सकते हो, दो डोमेन ले सकते हो और एक जनरल टेस्ट ले सकते हो। अब देखिए BHU BA आर्ट्स और BA सोशल की जो स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनको ध्यान रखना होगा कि BHU में आपको लैंग्वेज सेक्शन लेना है। BHU के लिए लैंग्वेज सेक्शन लेना, BA आर्ट्स और BA सोशल दोनों को चुनिएगा और एक जनरल टेस्ट लेना होगा। लैंग्वेज सेक्शन और जनरल टेस्ट सेक्शन, यही दोनों BHU के लिए है, BHU के लिए। और ये जो डोमेन स्पेसिफिक है BHU BA के लिए, BHU BA की हम बात करें, BA के लिए सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज सेक्शन है और डोमेन स्पेसिफिक, सिर्फ ये दोनों आपको चुनना पड़ेगा। Slot 1 में BHU BA आर्ट्स और BA सोशल के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कौन कौन यूनिवर्सिटी का क्या क्या डिमांड है। अब इलाहाबाद से अगर आप करना चाहते हो BA तो वहाँ पे डोमेन में आपको दो लेना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट है जो BHU और इलाहाबाद ही रखेंगे तो वहाँ पे डोमेन में दो ले लेंगे, मान लिया जाए वो हिस्ट्री ले लिए, पॉलिटी ले लिए, दो डोमेन ले लिए। तो अब देखिए अब तो आपका Slot 1 से ही काम हो गया, क्योंकि देखिए BBAU जो है, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है, उसका भी जनरल टेस्ट से ही एडमिशन होगा। तो इससे आधार पे आप BBAU को भी चुन सकते हो, BA की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा इलाहाबाद में ये कहा गया जनरल टेस्ट से फिलोसफी हो जाएगा। अब देखिए जब आप लैंग्वेज में हिंदी लोगे, हिंदी यहाँ चुनोगे तो यही हिंदी से आप जामिया के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जामिया मिलिया इस्लामिया। अब देखिए सिक्किम यूनिवर्सिटी के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे इसी में,
इसी में एलिजिबल हो जाओगे। तो बहुत सारे आपको जानना पड़ेगा कौन कौन यूनिवर्सिटी का क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके आधार पे आप यहाँ पे चुनोगे सब्जेक्ट और उसके अनुसार पे आप ऑप्ट करोगे। अब हम सलो टू की बात करते हैं। सलो टू वन में ही आपका काम हो जा रहा है तो सलो टू मत भरिए, क्योंकि एक सलोट का जो फीस है 650, दोनों सलोट का भरेंगे तो 1250 लगेगा। अब देखिए ये जो है सलोट टू का है, अगर दो से ज़्यादा लैंग्वेज, एक से ज़्यादा अगर आप लैंग्वेज लेना चाहते हो, बहुत सारे स्टूडेंट है जो हिंदी इंग्लिश दोनों लेना चाहता है, क्यों? क्योंकि इंग्लिश लेगा तभी वो एएमयू में एलिजिबल होगा, जेएनयू में एलिजिबल होगा, आप सभी को पता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश भी लेना चाहता है, अगर आप इंग्लिश लोगे तो सलोट टू में आप आ जाओगे, क्योंकि सेलो टू वन में एक ही लैंग्वेज ले सकते हो। अगर सेलो टू वन में आप हिंदी ले लिए हो तो सेलो टू में आप इंग्लिश ले सकते हो सेलो टू में। तो ये ध्यान रखना है, एस वन यहाँ लिखनी है, एस टू। अब सेलो वन में आप दो सब्जेक्ट ऑलरेडी ले चुके हो, दो सब्जेक्ट ले चुके हैं ऑलरेडी आप, हिस्ट्री या पॉलिटी, जो भी हिस्ट्री और पॉलिटी आप ले चुके हैं, जबकि जनरल टेस्ट तो यस कर दिए, ये हो गया। सेलो टू में भी आप इंग्लिश ले लिए इंग्लिश। अब देखिए आप सेलो टू में जो डोमेन है, एक पेपर आप इंग्लिश का ले सकते हो, या फिर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमम इसमें चार डोमेन ले सकते हो, चार डोमेन। तो सेलो टू मेरी बात को सुनिएगा, जो बीएससी के स्टूडेंट है उनके लिए सेलो टू बहुत रामबाण है, क्योंकि आपको तीन डोमेन लेना होता है, तीन डोमेन, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, या जो भी आपका डोमेन हो तीन डोमेन ले सकते हो। तो सेलो टू वन में आप दो ही डोमेन ले सकते हो, दो ही ले सकते हो ना, दो से ज़्यादा लोगे तो सेलो टू में आ जाओगे। तो आप डायरेक्ट सेलो टू में आके, सेलो टू में आके तीन डोमेन ले लो, क्योंकि आप आपका फीस कम लगेगा, 650 ले ही लगेगा। अब दोनों सेलोट में पेपर देने की क्या आवश्यकता है, तीन अगर डोमेन है, सारे सिर्फ डोमेन आपको लेना है, सेलो टू में ले लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना जो सिर्फ डोमेन लेंगे, तो सेलो टू में आके ले लीजिए डोमेन, उससे कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा पूरी तरीके से, पूरा डिटेल में। अगर आप बीएचयू बीए आर्ट्स का फॉर्म भरना चाहते हो या बीए सोशल का, तो आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक लेना होगा। ये सेलो टू वन में ही हो जाएगा, सेलो टू वन में हो जाएगा। और सेलो टू वन में जो है, सेलो टू वन में जो जनरल टेस्ट है ये आपको ले लेना है, जनरल टेस्ट में यस करना है और हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक ले लेना है। आप हिंदी ले सकते हो या इंग्लिश ले सकते हो। ये बीएचयू बीए आर्ट्स सोशल के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जेएनयू बीए के लिए क्या है, ये जेएनयू बीए में फॉरेन लैंग्वेज होता है, वहाँ इंग्लिश आपको लेना होगा। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी ले लेगा तो सेलो टू में, या अगर आप सेलो टू वन में हिंदी ले लियो तो सेलो टू में आप ले लोगे इंग्लिश, या फिर सेलो टू वन में ही सिर्फ आप इंग्लिश ले लो सेलो टू वन में, अगर आपका इंग्लिश बढ़िया, उसके बाद जनरल टेस्ट में यस करना होगा। तो ये जानिए सब यूनिवर्सिटी का, एएमयू बीए का देख लीजिए, हिंदी संस्कृत वोमेन स्टडीज के लिए आपको इंग्लिश लेना पड़ेगा लैंग्वेज में, जनरल टेस्ट में यस करना होगा। तो सभी यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप जैसे सभी का जनरल टेस्ट कॉमन आ रहा है तो सब इसके आधार पे जो है इस यूनिवर्सिटी का मेरिट बनेगा। ये देखिए सेलो टू वन में ही काम हो जाएगा आपका। बीबीएयू का देखिए, हिस्ट्री पॉलिटी या इको जो भी करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट से हो जाएगा। यानी जनरल बीएचयू का, बीएचयू में अगर आप हिंदी ले लिया, जनरल टेस्ट ले लिया, तो बीए आर सोशल हो जाएगा, बीबीएयू हो जाएगा, बीबीएयू। अब साउथ कैंपस ऑफ बिहार का देखिए, बीए प्लस बीएड का जो कोर्स है, इंग्लिश लैंग्वेज लेना है, टीचिंग एप्टीट्यूड, हिस्ट्री ज्योग्राफी, इको पॉलिटी और जनरल टेस्ट लेना है। ये पांच डोमेन आपको लेना होगा, यानी दो डोमेन आ जाएगा सेलो टू वन में, सेलो टू वन में दो डोमेन और सेलो टू में तीन डोमेन आ जाएगा। और ये तो सेलो टू वन में ही है और ये भी सेलो टू वन में ही हो जाएगा आपका काम। अगर आप हिंदी ले लिए होगे तो इसको सेलो टू में आप पहुंचा सकते हो, अगर हिंदी ले लिए हो तब। तो ये जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे देखिए, ये जो है जेएमआई बीए का हिंदी इको हिस्ट्री, आपको कुछ भी करना है तो आपको हिंदी अगर करना है तो हिंदी लेना पड़ेगा, इको करना है इको लेना होगा, हिस्ट्री करना है हिस्ट्री ले सकते हो। अब देखिए मैं अभी आपको बताऊंगा जामिया के बारे में, संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट से एलिजिबल हो जाएगा, सिर्फ जनरल टेस्ट से। सिक्किम यूनिवर्सिटी में चाइनीज, हिंदी, साइकोलॉजी जो भी करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट से हो जाएगा। एयू में हिंदी, इको, जियो पॉलिटी, संस्कृत, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, ये सब आप लेना चाहते हो तो आपको डोमेन में दो लेना पड़ेगा, जो कि नया नियम आया,
दो डोमेन लेना होगा इनका, 8 गो, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इको हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब में 2 गो डोमेन लेना होगा, तो सलो टूगर में ही काम हो जाएगा। फिलोसफी आप जनरल टेस्ट से लिए ले सकते हो। ये आपको समझ में आया होगा कि किस किस यूनिवर्सिटी का क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सलो टूगर में आप माना हिंदी लैंग्वेज ले लिया, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, और ये उसके बाद डोमेन में आप ले लिए हो हिस्ट्री ले लिए हो और आप जियोग्राफी ले लियो, ठीक है, डोमेन वन में, और आप यस कर दियो जनरल टेस्ट में, यस कर दियो। आपको ये बात समझ में आ गया ना, समझ में आ जाना चाहिए। जनरल टेस्ट में आप यस कर दियो, हिंदी लैंग्वेज लियो, हिस्ट्री लियो, जियोग्राफी लियो, सलो टूगर में, और इसका फीस 650 लगा है बस। आप देखिए, आप इसके आधार पर बहुत सारे यूनिवर्सिटी को चुन सकते हो, जैसे बी एच यू बी ए को चुन सकते हो, आर्ट्स सोशल दोनों को, इसी के आधार पर, ठीक है, BBAU को चुन सकते हो, BBAU यूनिवर्सिटी को चुन सकते हो, इलाहाबाद को चुन सकते हो, JMI को चुन सकते हो, JMI को चुन सकते हो, ये सभी यूनिवर्सिटी को चुन सकते हो। अब देखिए, और भी बहुत सारा यूनिवर्सिटी होगा, उसको आप चुन सकते हो, BBAU हो गया, इलाहाबाद हो गया, जामिया हो गया, सिक्किम यूनिवर्सिटी को चुन सकते हो, सिक्किम यूनिवर्सिटी को आप चुन सकते हो, इसी के आधार पे, क्योंकि सिक्किम यूनिवर्सिटी में सिर्फ और जनरल टेस्ट है। तो ये सब मैं बता दे रहा हूँ कि सलो टूगर से ही आपका काम हो गया। अब आप हिंदी के जगह पे इंग्लिश भी ले लिए हो, क्योंकि आप चाहते हो कि JNU और AMU में भी हम जाएँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का इसीलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका अलग ही कंडीशन है, 12th में जो सब्जेक्ट लिए रहोगे उसको लेना होगा, इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे अगर आप इंग्लिश लियो तो सलो टू में आपको जाना पड़ेगा, और इंग्लिश के बाद यहाँ 4 और ऑप्शन है डोमेन में 4 और ले सकते हो, 4 और ले सकते हो, और बस इतना, ये सलो टू का है। इंग्लिश में अगर आप लेना चाहो, आपका सलो टू वन से भी काम हो जाएगा, जो मैंने बताया बीए के लिए मैं बात कर रहा था। अब जिसको भी साइंस करना है, जिसमें 3 डोमेन लेना है, तो इसमें आके 3 डोमेन ले लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या जो भी आपका डोमेन हो, सलो टू से ही सिर्फ और सिर्फ सलो टू से काम हो जाएगा BSc वालों को। सलो टू वन में कोई आवश्यकता नहीं है भरने की। तो ये आपको जानने की आवश्यकता है कि आप सलो टू वन सिर्फ भर सकते हो या दोनों भर सकते हो या सलो टू ही सिर्फ भर सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो सभी यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, मैं बार बार स्टूडेंटों को इतना हेल्प कर रहा हूँ, इतना बढ़िया से कोई नहीं बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और हमारे नए बेस में जुड़ने के लिए ऑफर भी दिए हुए हैं, इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। 1599 का भी ऑफर चल रहा है BA वाला कोर्स में, तो फटाफट आप हमारे कोर्स में भी जुड़ सकते हो। मैंने पूरा बढ़िया से कोशिश की आपको समझाने की, और आपको समझ में आ गया होगा सलो टू वन सलो टू में क्या क्या भरना है। फॉर्म भर लिए, फिर भी आप देख सकते हो बहुत लोग यस नहीं किए जनरल टेस्ट में। अब BA का फॉर्म भरे हैं, BHU का, जनरल टेस्ट में यस नहीं किए, तो आप कैसे, ये गलती कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ये महा गलती है, फिर आपका मेरिट नहीं बन पाएगा ना, कहाँ से मेरिट बनेगा। तो ये सब ध्यान रखिए आपको कि BHU के लिए हिंदी लैंग्वेज में एक पेपर, जनरल टेस्ट लेना होगा, BBA के लिए जनरल टेस्ट लेना होगा, AU के लिए डोमेन लेना होगा, JMI के लिए हिस्ट्री से यहाँ काम हो जाएगा, और हिंदी में हिंदी से काम हो जाएगा, सिक्किम यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट से हो जाएगा। तो ये सलो टू वन में जो हम बताए हैं ना, ये रामबाण है, आप सिर्फ इसको आधार भी मान के चलोगे तो बहुत बढ़िया होगा। आप आराम से आइए, फॉर्म को भरिए, आप हमारे नए बैच में भी जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, सभी अपडेट यहाँ पे आपको मिलते रहता है, इसीलिए जरूरी है BHU कॉन्सेप्ट के बारे में लोगों को बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट बॉक्स में जाके रखिए। जय हिंद।